नेचुरल और जेट ब्लैक हेयर डाई बनाना सिखाऊंगी दोस्तों आज। 100% ये आपको रिजल्ट देंगे और आपके बालों को ये तुरंत काला आज एक करेंगे। ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि बालों में अगर जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, बाल सफेद हैं, चाहे आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल रूखे सूखे हैं, तो ये रेमेडी बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। और इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे आंवला का जूस लिया है, तो 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग आपको आंवला जूस ले लेना है। आप सभी जानते हैं आंवला जूस जिसमें कि विटामिन सी की मात्रा भरपूर है, जिससे कि हमारे जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं होते हैं, और सफ़ेद हो जाते हैं तो उसे रिवर्स करने का अच्छा काम करती है। बट हम यहाँ पे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे जिससे कि आप अपने बालों को रिवर्स भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आंवला आपको ले लेना है यहाँ पे, और इसी आंवला में मैं यूज़ करने वाली हूँ एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर जो कि कोकोनट शेल से बनी हुई है। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ में हमेशा इस रेमेडी को शेयर किया है, और आप जेट ब्लैक अगर चाहते हैं कलर तो फिर यहाँ पे कोकोनट शेल का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। इससे आपके बालों में जो ड्राइनेस होती है वो उसे रिमूव करता है, रिपेयर करता है, और हमारे बालों को बहुत ही तेज़ी से काला बनाए रखने का काम भी करता है। तो यहाँ पे आपको 1 चम्मच के तकरीबन ले लेना है कोकोनट शेल का पाउडर। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेशल रेमेडी बताऊंगी, सॉरी इंग्रेडिएंट बताऊंगी। ये देखिए, ये है हमारे पास एक ऐसा वाटर, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। इस रेमेडी में दोस्तों आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आपको वाटर यूज़ नहीं करना है। ये है हमारे पास शहद, तो ये हमने शहद लिया है, और 1 चम्मच के तकरीबन आपको इस तरह से शहद को ले लेना है। ये वाटर देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, शहद हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे बालों को नॉरिशमेंट देने का बहुत अच्छा सा काम करती है। तो मैंने यहाँ पे शहद लिया है, आप प्योर शहद भी ले सकते हैं जिसे हनी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन चीज़ों को ऐड कर दिया है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा जेट ब्लैक कलर आप देख सकते हो। बालों को कलर करने के लिए आप केमिकल वाली जो डाई होती हैं उनसे बचें, क्योंकि मार्केट में ऐसे जो केमिकल मिलाए जाते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं कि हमारे स्कैल्प में बहुत। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच मेहंदी का पाउडर। आप हेना पाउडर ले लीजिए दोस्तों। इस तरह से आपको इस हेना पाउडर में इसे आपको बनाना है, इस डाई को। ये देखिए, आपका डाई बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रिपेयर हो जाएगा। जब भी आप सफ़ेद बालों पे इसे लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके बालों को कलर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बहुत ही जेट ब्लैक कलर में आप ट्रांसफ़र हो चुका है। इसे हमें इस तरह से कम 10 मिनट छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप इसे अपने सफ़ेद बालों पर लगाएँ, और उसके बाद आप 30 से 45 मिनट तक अपने बालों पर इसे लगा करके छोड़ दें, जिससे कि आपके जो बाल हैं, सफ़ेद बाल हैं, वो तुरंत एकदम से डाई हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। जो केमिकल की बाजार वाली डाई आप लेकर आते हो, उससे बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें दोस्तों। और ये देखिए, ये नेचुरली आपके बालों को काला बनाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरी रेमेडी कैसी लगी। इसे यूज़ ज़रूर करिएगा दोस्तों।